बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई एम योर फेलो ट्रेडर अय्यूब राना एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल ट्रेड ट्रैक। आज की वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीकली स्ट्रेटजी देखेंगे, यानी कि वीकली रेंज क्या होती है, कब एक बुलिश वीक जो होता है उसका लो कब लगता है, हाई कब लगता है, हमें कौन से दिन अपनी अगर बुलिश हमारा बायस है, हमारा बायस बुलिश है और हमें बाई की ट्रेड देखनी है तो हमें वीक के किस दिन में ट्रेड फाइंड करनी है और किस दिन एक्सपेक्टेड है कि हमारा टीपी हिट हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर बेरिश बायस है तो हम देखेंगे कि वीकली बायस हमारा बेरिश है तो हमें किस दिन में भी सेल की ट्रेड मिल सकती है और किस दिन हमारा टीपी मोस्टली मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो है हिट हो सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे डेली रेंज, यानी कि दिन की जो ट्रेड होती है, अगर हमारा डेली बायस बुलिश है तो हमें किस टाइम में बाई की ट्रेड मिल सकती है, किस टाइम हमें ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए और सेल की ट्रेड किस टाइम मिल सकती है अगर डेली बायस बेयर चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में और आपकी जो भी स्टाइल है ट्रेडिंग का उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में किस टाइम अच्छी मूव आ सकती है, किस टाइम आप में आपको मार्केट में इन होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीकली रेंज से, वीकली रेंज क्या कहता है कि हमारा अगर वीकली बायस जो है वो बुलिश है, इफ वीकली बायस इज बुलिश, अगर वीकली बायस हमारा बुलिश है, वी मे सी अ वीक लो इन फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। अगर तो हमारा वीकली बायस बुलिश है, यानी कि हम मार्केट के इस वीक को बाय में देख रहे हैं, तो हमारा जो वीकली लो एक्सपेक्टेड होता है वो कि फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक में होता है, यानी कि अगर मार्केट ने एक वीकली कैंडल बुलिश क्लोज करनी है तो मार्केट का जो वीक का लो लगता है वो मंडे ट्यूसडे या वेंसडे, इन 3 दिनों में मार्केट अपना लो लगाती है। मंडे में भी लगा सकती है या फिर ट्यूसडे या फिर वेंसडे, इन 3 दिनों में आपको बाय की ट्रेड अच्छी मिल सकती है अगर आपका वीकली बायस बुलिश है। एंड सेकेंडली एंड अ वीक हाई इन द लास्ट 2 डेज ऑफ द वीक, दैट इज थर्सडे एंड फ्राइडे। वीकली बायस हमारा बुलिश है, हमें वीकली लो जो है फर्स्ट 3 डेज में मिल सकता है, जबकि वीकली हाई जो लगता है वो थर्सडे या फ्राइडे के दिन वीकली हाई लगता है अगर तो वीकली बायस बुलिश है। एंड रिट्रेसमेंट बैक ऑन फ्राइडे। अब फ्राइडे जो होता है मोस्टली रिट्रेसमेंट का दिन होता है, यानी कि अगर मार्केट हाई भी लगाती है तो हाई लगाने के बाद भी रिट्रेसमेंट लेती है, तो फ्राइडे का जो आखिरी टाइम होता है मार्केट का, कह लें 4-5 घंटे आखिरी टाइम, उसमें रिट्रेसमेंट का टाइम होता है मोस्टली। अगर मार्केट टेक्निकली चल रही है, कोई बड़ा फंडामेंटल इवेंट नहीं है लाइक FOMC या NFP, तो फिर मार्केट जो है अपनी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए वीक हाई लगता है आपका अगर बुलिश वीक है तो वो थर्सडे या फ्राइडे को, और फ्राइडे को भी मोस्टली रिट्रेसमेंट होती है बैक टू द ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हमारे पास जो है वो ये है कि अगर वीकली बायस बेरिश है, इफ द वीकली बायस इज बेरिश, वी मे सी अ वीक हाई इन द फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक, दैट इज मंडे ट्यूजडे एंड फ्राइडे। अगर वीकली बायस बेरिश है, यानी कि हम वीकली कैंडल को सेल में देख रहे हैं, तो हमें वीकली जो हाई मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने सेल में जाना है, तो हमें जो हाई मिलेगा वो फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक में मिलेगा, यानी कि मंडे ट्यूसडे या वेंसडे, इन 3 दिनों में किसी दिन मार्केट हाई लगा के वापस नीचे जा सकती है। क्योंकि जो कैंडल जब ये बनती है ना, तो वो कैंडल इस तरह से होती है, फॉर एग्जाम्पल बाय की कैंडल है तो पहले यहाँ से ओपन हुई, उसके बाद थोड़ी वीक नीचे देगी, उसके बाद ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हाई लगाएगी, हाई लगाने के बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट बैक देगी, इस तरह से आपकी कैंडल बनती है। ठीक है, ऊपर नीचे मोस्टली वीक होती है कैंडल के। और जो सेल की कैंडल बनती है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ हुई ओपन, तो उसने क्या थोड़ी ऊपर विक देनी है, नीचे आना है, फिर नीचे आने के बाद फिर थोड़ी सी ऊपर लो लगाने के बाद रिट्रेसमेंट लेती है, तो इस तरह से आपकी वीकली कैंडल होती है, यानी कि ये आपकी वीकली कैंडल है, इसके नीचे और ऊपर थोड़ी सी वीक होगी। इसी तरह बुलिश कैंडल के भी ऊपर और नीचे थोड़ी सी वीक होती है, इसलिए हम जो है फ्राइडे में थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड अगर वीकली बायस बेरिश है तो हमारा जो वीकली लो लगेगा तो वो लगेगा वीक के आखिरी 2 दिनों में, यानी कि थर्सडे या फ्राइडे में। तो वीकली अगर हमारा बायस बेरिश है, हमने सेल की ट्रेड फाइंड करनी है, तो हमें फर्स्ट 3 डेज में ट्रेड मिल सकती है और टीपी हमारा आखिरी दो दिन में हिट हो सकता है, यानी कि थर्सडे या फ्राइडे में, और फ्राइडे को भी मोस्टली रिट्रेसमेंट बैक होती है जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसको हम चार्ट्स में देखते हैं, ऐसा कुछ होता भी है कि चार्ट्स में, या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, तो चार्ट्स में हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। तो ये जो लाइंस लगी हुई हैं हमारी ब्लू लाइंस, ये गोल्ड का डेली का चार्ट है, ये ब्लू लाइंस एक वीक को इंडिकेट कर रही हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मंडे से शुरू हो रहा है और ये फ्राइडे तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल्स इसमें आ रही हैं, 5 कैंडल्स, 2 4 5, यस 4 5 कैंडल्स, क्योंकि 5 डेज ऑफ वीक मार्केट चलती है। तो ठीक है, ये वीकली हमारी लाइंस लगी हुई है मंडे से फ्राइडे तक। अब डेली की ये डेली का चार्ट खुला हुआ है, हम इसमें देखते हैं 4 घंटे के चार्ट को, क्योंकि वहां पे क्लियरली हाई एंड लो जो है वो विजिबल होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इस वीक से, ये जो वीक है पहला वीक हमारा हुआ जी स्टार्ट, हम इसे यहाँ से एनालाइज कर रहे हैं जी, फ्राइडे फोर, ये हुआ मंडे हमारे पास 17 जुलाई से स्टार्ट हुआ, तो इसका लो यहाँ पे है और इसका हाई यहाँ पे है,
और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो क्लोजिंग कहाँ है, लो से ऊपर, इनके बुलिश वीक था। तो बुलिश वीक जो है, हमने कहा अगर वीक बुलिश होगा तो हमें फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक में मार्केट लो लगाते हुए दिखाई दे सकती है, और हाई लगेगा आखिरी 2 दिनों में। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है इस जगह पे ओपन हुई, मार्केट ने ये लो लगाया, ये हाई लगाया, और यहाँ पे आके क्लोजिंग हुई वीक की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लो क्या हमारा फर्स्ट 3 डेज में लगा है कि नहीं लगा। अब लो को देखें तो ये जो लो लगा है ये हमारे पास लगा है मंडे 17 जुलाई को, यानी कि पहले ही दिन मार्केट ने लो लगाया। और अब लो वाली बात तो ठीक होगी कि मार्केट पहले दिन 3 दिनों में लो लगाती है, हाई अब क्योंकि वीकली बाइस बुलिश था तो हाई हमारा लास्ट 2 डेज में लगना चाहिए। अब ये मार्केट ने हाई लगाया यहाँ पे, तो हाई भी देखते हैं क्या लास्ट 2 डेज में लगा है या नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाई देखें तो ये हाई है जी आपका थर्सडे 20 जुलाई को, यानी कि आखिरी सेकेंड लास्ट डे ऑफ द वीक में आपका मार्केट ने हाई लगाया है बुलिश वीक का। और उसके बाद आप फ्राइडे को देखें तो रिटेसमेंट आपको दिखाई दे रही है, तो 1 वीक तो हमारा बता रहे हैं कि सही है। अब ये जो सेकेंड वीक है इसमें क्या है कि इसको मैंने येलो किया हुआ है, इसमें मार्केट ने उस तरह से उस वीकली स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया, क्योंकि इस वीक में एक आई थिंक फंडामेंटल इवेंट होगा कोई, क्योंकि फंडामेंटल जब होते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स लाइक FOMC या फिर NFP, तो इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो आपको पता है कि टेक्निकल जो है वैसे ही हम टेक्निकल्स को छोड़ देते हैं, फिर फंडामेंटल्स को देख कर चलते हैं। तो ये भी एक टेक्निकल स्ट्रेटेजी है, तो इसमें अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होगा तो लाजमी नहीं है कि ये परफेक्टली वर्क करे। खैर इस वीक में अगर आप देखें तो ये एक बेरिश वीक रहा, क्योंकि यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, क्लोजिंग यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है। अब अगर बेरिश वीक है तो इसका हाई लगना चाहिए था फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक, यानी कि वेंसडे में या फिर मंडे में या फिर ट्यूजडे में, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो हाई लगा है थर्सडे में और लो लगा है फ्राइडे में। लो तो लो की बात तो सही है, तो ये एक एक्सेप्शनल वीक था। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आप देखें तो ये बेरिश वीक है, यहाँ पे ये ओपन होता है, ये इसका हाई लगता है, ये इसकी क्लोजिंग यहाँ पे होती है। तो यहाँ ये कैंडल आपकी बनी है वीकली कैंडल, यानी कि इस तरह से कुछ कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये बेरिश कैंडल है, ओपनिंग के नीचे इसकी क्लोजिंग है। अब इसका हाई देखें तो बेरिश वीक है, इसका हाई क्या हमारा फर्स्ट 3 डेज में लगा है कि नहीं हम चेक करते हैं। हाई देखें तो आपका अगेन मंडे में लग रहा है, यानी कि मंडे के दिन मार्केट ने हाई लगाया है, वीकली बायस बेरिश है, मार्केट बेरिश गई। और लो देखें तो यहाँ पे लो लगाया है मार्केट ने इस वीक का, लो को देखें तो कहाँ पे लग रहा है, किस दिन है जी, लो भी फ्राइडे है। और फिर फ्राइडे में लो लगाने के बाद आप वापस रिटेसमेंट बैक देख रहे हैं, रिटेसमेंट हो गया। अब ये सेकेंड वीक है जिसने हमें हमारी स्ट्रेटेजी को यानी कि प्रूव किया, राइट। आफ्टर दैट ये देखें ये बेरिश वीक है, यहाँ पे इसकी ओपनिंग है और यहाँ पे ही इसकी क्लोजिंग है, यानी कि ये फुल बेरिश वीक है, कोई रिटेसमेंट ही नहीं है इसमें। अब इसका हाई देखें तो आप एग्जैक्टली मंडे पे हाई है इसका, यहाँ पे मंडे पे हाई, उसके बाद फ्राइडे पे इसका लो है, यहाँ पे देखिए फ्राइडे पे इसका लो है। तो ये वीक तो परफेक्ट रहा। उसके बाद ये वीक देखें तो ये वीक भी बेरिश ही है, क्योंकि इसकी ओपनिंग है यहाँ पे और इसकी क्लोजिंग है यहाँ पे, ओपनिंग से नीचे ही क्लोजिंग है, तो बेरिश बायस बेरिश वीक है। इसका हाई देखें आप लगा है जी, ये है लगा है मंडे को, और लो देखें तो आप इसका लगा है थर्सडे को, इसका लो थर्सडे को, आखिरी 2 दिन में हमने लो देखना था, ये लो लगा है। और फ्राइडे को मोस्टली थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हुई है यहाँ पे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इस वीक की तरफ आए, ये जो सेकेंड लास्ट वीक गुजरा अभी, तो ये बुलिश वीक था। अब ये बुलिश वीक था, इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, इसकी ओपनिंग है यहाँ पे, इसकी क्लोजिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग है, इसका मतलब बुलिश बायास था, बुलिश वीक था। तो क्या इसका लो, जब बुलिश वीक है तो इसका लो लगना चाहिए फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक में। तो देखते हैं लो इसका लगा है कि नहीं, यहाँ पे है जी इसका लो, ये इसके लो लगे हुए हैं। तो लो को अगर आप देखें तो इसका लो जो लग रहा है वो मंडे को लग रहा है, लो मंडे में है और हाई इसका इस वीक का यहाँ पे है, ये देखें। तो हाई इसका यहाँ पे, हाई कब लग रहा है थर्सडे में, तो हाई थर्सडे में है, लो मंडे में है, एग्जैक्टली इसने हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। उसके बाद फ्राइडे में आप देखें तो रिट्रेसमेंट बैक, ये रिट्रेसमेंट हुई है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूइंग वीक है, लास्ट डे ऑफ द वीक है आज फ्राइडे। इसमें देखें तो आप, ये भी एक बुलिश वीक था, जैसा कि हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था, हम इसको बाय में देख रहे थे मार्केट को। आप देखें मार्केट ने लो लगाया है यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और ये नीचे लो लगा हुआ है, ऑलमोस्ट मंडे में ही इसका लो है, इसका लो भी मंडे में है। और इसका हाई देखें तो अभी तक ये लगा है 1949 का, यहाँ पे इसका हाई है। और हाई देखें तो आपका कहाँ पे लग रहा है जी, हाई लग रहा है आपका यहाँ पे वेंसडे और थर्सडे, हाँ यहाँ पे इसने हाई लगाया है वेंसडे में। ये अभी क्योंकि फ्राइडे अभी क्लोज होना है, हो सकता है आज के दिन NFP भी है तो इसका हाई लग जाए, यानी कि 1949 भी सरपास हो जाए। अदरवाइज आप देखें तो हाई यहाँ पे वेंसडे पे लगाया और थर्सडे में भी हाईज हैं, तो यहाँ पे मोस्टली स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है मार्केट ने। हो सकता है आज मार्केट नया हाई लगा के फिर रिटेस्टमेंट ले, क्योंकि आज फ्राइडे है तो हमें हाई लगता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब आप देखें वीकली स्ट्रेटजी को मार्केट ने किस तरह फॉलो किया, हमने कितने वीक्स को देखा,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weeks को देखा, जिसमें से एक एक्सेप्शनल वीक था जिसने कि हमारी स्ट्रेटेजी को परफेक्टली फॉलो नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है, 99 या 90% आप कह लें कि 100 में से 90%, क्योंकि हमने 90% चांसेस हैं स्ट्रेटेजी के फॉलो होने के मार्केट से। अब ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं, तो अगर आप वीकली कैंडल पे ट्रेड करें, आपका वीकली बायस बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपको मंडे के दिन बाय, अगर बुलिश बायस है तो मंडे के दिन बाय की ट्रेड अच्छी मिल सकती है, और मोस्टली आपका थर्सडे या फ्राइडे को आपका टीपी हिट हो सकता है। अगर आप आपका बायस जो है बेरिश है, तो फिर आपको क्या है कि मंडे या ट्यूजडे को या वेंसडे को सेल की ट्रेड मिल सकती है फर्स्ट 3 डेज में, क्योंकि आप अब आपने ट्रेड फाइंड करने का आपको एक तरीका मिल गया कि आपने फर्स्ट 3 डेज में ट्रेड फाइंड करनी है और लास्ट 2 डेज में आपका टीपी हिट हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कि हमारे पास डेली रेंज। अब वीकली रेंज को हमने देख लिया, उसके बाद डेली भी तो रेंज है ना। डेली रेंज ये कहते हैं कि इफ डेली बायस इज बुलिश, अगर आपका दिन जो है आप दिन की कैंडल को बाय में देख रहे हैं, वी मे सी अ डेली लो इन एशियन और लंदन सेशन। तो मार्केट में आपको पता है कि 3 सेशन होते हैं, एशियन, लंदन और यूके, और उसके बाद जो है NY यानी कि न्यूयॉर्क या अमेरिकन सेशन इसको कहा जाता है। तो आपका जो अगर दिन है आप उसको बाय में देख रहे हैं, एक दिन को डेली की कैंडल को बाय में देख रहे हैं, तो आपका जो लो लगेगा डेली की कैंडल भी सब बनेगी ना, ओपन हुई थोड़ा सा नीचे विक देगी, उसके बाद यूँ सीधा ऊपर जाएगी, उसके बाद हाई लगाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगी। तो ये आपकी डेली की कैंडल होती है, ऊपर नीचे इसके विक होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डेली लो जो हमारे एशियन या लंदन सेशन में आपका डेली लो लगेगा, फर्स्ट 2 सेशन जो है जिस तरह फर्स्ट 3 वीक्स थे, इस तरह यहाँ पे फर्स्ट 2 सेशन है, फर्स्ट 2 सेशन जो है उसमें आपका लो लगता है डेली का। अगर आपको सेशन के बारे में मालूम नहीं है कि कैसे आपने सेशन टाइम देखना है, कौन से सेशन होते हैं, सेशन रैपिंग क्या होते हैं, तो उसके लिए मैं आई बटन में वीडियो पिन कर दूंगा, वो आपने लाजमी देख लेनी है। और डेली क्योंकि आपका बायस बुलिश था, आपने मार्केट को बाय में देख रहे थे, तो आपका डेली जो हाई है वो आपका लगेगा न्यूयॉर्क सेशन में, NY सेशन में आपका हाई लगेगा, उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, अगर आपका डेली बायस बेरिश आपकी यानी कि आप मार्केट को आज के दिन सेल में देख रहे हैं, डेली कैंडल को सेल में देख रहे हैं, तो आप जो है वी मे सी अ डे हाई इन एशियन और लंदन सेशन, फर्स्ट 2 सेशन में आपको डे का हाई दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट ने बेरिश जाना है, तो कैंडल कुछ इस तरह बनेगी, यहाँ पे ओपनिंग थोड़ा सा ऊपर विक देगी, फिर नीचे आएगी, यहाँ पे लो लगाएगी, फिर यहाँ पे क्लोज, इस तरह से आपकी कैंडल बन सकती है, ऊपर नीचे इसके वीक हो सकती है, ठीक है। और अगर आपका जो डेली लो लगेगा वो न्यूयॉर्क सेशन में ही लगेगा, तो आपको ट्रेड अब कब फाइंड करनी है, इस स्ट्रेटेजी से आपको फायदा क्या होगा, अगर आपका डेली बायस बुलिश है तो आपको लंदन या एशियन सेशन या लंदन सेशन में अपनी ट्रेड फाइंड करनी है, क्योंकि अगर आपका बुलिश है तो आपको नीचे से बाय मिलेगी, एशियन लिक्विडिटी गायब हो सकती है लंदन के सेशन में, और फिर लंदन में लो लग के फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ऊपर जाके आपको NY सेशन में टीपी हिट कर सकते हैं, इसी तरह वाइस वर्सा आप बेरिश बायस में कर सकते हैं, यानी कि सेल की ट्रेड में कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम चार्ट्स में अप्लाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोल्ड के चार्ट को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको GBP JPY का भी चार्ट दिखाऊंगा। गोल्ड को मैं इसलिए प्रेफर करता हूं कि गोल्ड मेरा मोस्ट फेवरेट पेयर है। यहां पे देखें तो हमने कितने दिन को, 1, 2, 3, 4, 5, हम ये 5 दिन इनके लास्ट वीक को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां से देखें आपका मंडे स्टार्ट हो रहा है, मंडे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मंडे, ये देखें ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेंसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम्स वगैरह के चक्कर में ना पड़ा ना फंसाया जाए, ये इंडिकेटर इसका नाम सेशंस है। आप जो है ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर की लिस्ट में जाके सेशंस सर्च करेंगे, ये इंडिकेटर आपको मिलेगा, और इसमें सेशंस की टाइमिंग आप कह लें पहले से ही सेट होती है, इसमें आप कलर से चूज कर सकते हैं। तो मैंने ये सेशंस का इंडिकेटर जैसे ही ओपन किया, तो ये जो ब्लू कलर है यहाँ पे, ब्लू कलर इंडिकेट द एशियन सेशन, ये एशियन सेशन है, येलो कलर इंडिकेट द यूके सेशन, लंदन सेशन, एंड रेड कलर इंडिकेट यानी कि द NY सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। तो ये 3 सेशन एक दिन में होते हैं, ये यहाँ पे आपको इंडिकेट किए गए हैं। अब हम पहले दिन मंडे को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये ब्लैक लाइंस के से आप देखें, दिन को मैंने सेपरेट किया हुआ, यहाँ पे ये ब्लैक लाइन, उसके बाद ये ब्लैक लाइन। अब ये जो है दिन आपका बुलिश था, यहाँ पे ये ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, ओपन से ऊपर इस यहाँ पे क्लोज हुआ, ओपन से ऊपर इसकी क्लोजिंग है, तो ये बुलिश दिन था। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया अगर आपका बुलिश बायस है, मार्केट बाय में आप देख रहे हैं एक डेली की कैंडल को, तो आपका वीकली डेली लो किस टाइम लगेगा, एशियन या फिर यूके सेशन में। ये आपका एशियन सेशन है, यहाँ पे मार्केट ज़िगज़ैग रहा है, उसके बाद ये आपका यूके सेशन है। अब यहाँ पे आके आपका NY भी ओपन हो गया, बट यूके यहाँ तक चल रहा है। यहाँ पे देखें ये जो कलर यहाँ पे चेंज हो गया, ये ओवरलैपिंग है, यानी कि
अब देखें ना, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं बात करूंगा, 5 बजे जो है आपके पास NY ओपन होता है, लेकिन उससे पहले आपका UK सेशन चल रहा होता है, तो 8 बजे जाके UK क्लोज होता है। 5 से 8 ये 3 घंटे हैं जिसमें ओवरलैपिंग होती है, दो सेशंस ओपन होते हैं, इसमें वोलेटिलिटी अच्छी होती है क्योंकि दो सेशंस ओपन होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास 8 बजे तक यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका UK सेशन ओपन था, तो लो लगाया आपका UK सेशन में, उसके बाद UK क्लोज हुआ। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से NY शुरू हुआ, यहाँ पे UK क्लोज हुआ, UK क्लोज होने के बाद ही आप देखें मार्केट ने हाई लगाया NY में, और फिर मार्केट ने थोड़ी रिट्रेसमेंट की, तो यहाँ पे मार्केट ने हमारी स्ट्रेटेजी को परफेक्टली फॉलो किया। अब नेक्स्ट डे को देखते हैं। नेक्स्ट डे जो है ये भी बुलिश डे है क्योंकि ओपनिंग हो रही है आपकी, ये देखें इस जगह पे, और क्लोजिंग हो रही है इस जगह पे, ओपनिंग से ऊपर आपकी क्लोजिंग है, तो बुलिश डे है। अब हमने क्या कहा कि लो लगेगा या तो एशियन में या तो फिर आपका UK में, ये एशियन सेशन है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, UK में मार्केट नीचे आई, एशियन की लिक्विडिटी गायब की, आप देखें यहाँ पे लो लगाया, और ऊपर जाके देखें तो इसमें NY में आपका हाई लगा, यहाँ पे भी मार्केट ने परफेक्टली डेली रेंज को फॉलो किया है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट डे में चलते हैं, तो ये भी बुलिश डे है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी और यहाँ पे आपकी क्लोजिंग है, ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग है, तो मार्केट इसमें एशियन में मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, ये देखें ये एशियन का लो लगा था, इसको मार्केट ने वायलेट नहीं किया, एशियन में लो लगाया, हाई लगाया जी आपका NY में, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे को देखते हैं, तो मार्केट का ये जो दिन था इसमें ओपनिंग है यहाँ पे, ये बेस दिन है, ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, इस जगह पे, तो ये ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग है यानी कि बेरिश दिन है, ऊपर की तरफ मार्केट ने विक छोड़ी है। जब बेरिश दिन है आपका, बायस बेरिश है, तो मार्केट का हाई किस में लगेगा, पहले दो सेशंस कौन से हैं, एशियन ही है और ये आपका UK, UK में आप देखें मार्केट ने हाई लगाया, एशियन में भी लगाया था और मार्केट ने उसी हाई को ही रेस्पेक्ट किया है, ठीक है। एशियन और UK में आपका हाई लगा, लो लगा आपका NY में, उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई। आज का दिन देखिए, तो आज के दिन में क्योंकि NFP है, वी कॉन्ट प्रेडिक्ट, बट NFP इज एक्सपेक्टेड टू आउटकम, पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्टेड NFP का, तो मार्केट थोड़ी ऊपर जा सकती है। तो आप देखें अभी तक मार्केट ने एशियन में ये किया है, यहाँ पे लो लगाया है, अभी अगर मार्केट इस लो को वायलेट नहीं करते तो हम कहेंगे कि डेली बायस बुलिश था और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, हाई NY में लग सकता है क्योंकि NY ओपन होगा और आपके पास NFP की रिपोर्ट भी आएगी, तो बुलिश डे हो सकता है ये आज का। तो इस तरह से आप अपने डेली और वीकली रेंजेस को देख के मार्केट में अपनी जो है अपनी ट्रेड्स को रिफाइन कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। एक शॉर्ट सा मैं आपको GBP JPY में भी दिखा देता हूँ इसका यानी कि एप्लीकेशन, ताकि आपको ये ना हो कि सिर्फ गोल्ड में ही काम करती है स्ट्रेटजी, हर पेयर में काम करती है, बस शॉर्ट सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा यहाँ पे। ये GBP JPY का मंडे का दिन है जी, दिन यहाँ पे बुलिश है, ये यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई। अब लो कहाँ पे लगा, लो लगा एशियन में, और हाई कहाँ पे लगा, हाई ये देखिए इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया NY में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, यानी कि GBP JPY में भी ये काम कर रहा है जी। उसके बाद ये बेरिश दिन है, ओपनिंग है जी यहाँ पे, क्लोजिंग है जी यहाँ पे, हाई लगा ये देखें उसमें आपका UK में, क्योंकि ये येलो कलर UK है, उससे आगे भी ये रेड सा कलर UK है क्योंकि यहाँ पे UK 8 बजे क्लोज होता है, ओवरलैपिंग है ये। नेक्स्ट डे में देखें तो बुलिश दिन है जी, लो लगा आपका एशियन में, ये लोज लगे हुए हैं एशियन के लोज, हाई लगा आपका इसमें NY में, इसमें भी परफेक्टली इसने काम किया, देखिए NY में हाई लगाया इसने यहाँ पे आके। नेक्स्ट दिन इसने क्या किया जी, ये बेरिश दिन है, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, तो हाई कहाँ पे लगाया जी आपका इसमें क्या होता है, एशियन में ही हाई लगा, लो लगा NY में। आज के दिन देखें तो क्या है जी, आज के दिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, लो लग चुका है एशियन में, ये एशियन के लोज हैं, मार्केट ऊपर जा सकती है, हाई लगा सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप देखें मार्केट में ये स्ट्रेटेजी परफेक्टली काम कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और इस तरह की अच्छी वीडियो अगर आपको चाहिए किसी और टॉपिक पे या कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके टॉपिक बता सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू गाइस। आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।